टू में आप सबका रानी वाला। पार्ट टू में तो बहुत सारा कैसे हूँ आपका होस्ट और दोस्त लोकेश स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोकेश सिंह में। तो प्रेरणा आज की जर्नी होने वाली है गोटी टू समरवती। तो प्रेरणा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले से यदि तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं है प्लीज एक लाइक कर दें, साथ ही जो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन घंटी दबाएं इस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चलो प्रेरणा आज का वीडियो इस गाड़ी का आठवां होल जो कि है रानी वाला जिसका स्टेशन कोड है RNV। तो फ्रेंड ने अपने इसका टाइमिंग है यहाँ पर 2:53 का, यहाँ पर 2 मिनट का होल्ड है, 2:55 से यहाँ से रवाना है। तो फ्रेंड बात करें नंबर ऑफ प्लेट की, बात नंबर प्लेट इस पर 2 है जो कि अपना आता है नॉर्थ वेस्ट पे रेलवे जो कि आता है जोधपुर डिवीजन में से, जो कि डिपार्चर हो चुका है अपन कहीं से। सुबह 6 से 10 बजे से पहले आप क्योंकि ये बीच वाली जो सीट होती है ना तो उसको ऊपर ना करें क्योंकि जो लोग नीचे बैठे रहते हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को समझाने के लिए सरकार ने कुछ इस प्रकार का नहीं है वो क्या कहते हैं अपने कदम उठाए थे इसलिए आप देख पड़ दीजिए। तो आपको भी इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ था बस तो गाइस पहुंच चुके हैं बिजली जंक्शन। इस गाड़ी का नंबर होल जो कि बिल्डी एक्शन पर जिसका स्टेशन कोड है BLDI। तो फ्रेंड ये अपने टाइम से बिफोर टाइम आई है जो कि आधा घंटा क्योंकि आगे यहाँ पर लगभग 4 बजे। तो फ्रेंड इसका टाइमिंग तो यहाँ पर 4:25 पर 5 मिनट का होल्ड था और 4:30 पर यहाँ से रवाना था, लगभग यहाँ पर गाड़ी हमारी 35 मिनट यहाँ पर होल्ड हुई। तो चलो फ्रेंड मैं आपको बिल्डी एक्शन के बारे में बताता हूँ। तो बिल्डी एक्शन क्योंकि अपने आता है वेस्टर्न रेलवे जो कि आता है अपने अहमदाबाद डिवीजन में। तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म बात की है नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इस पर जो 3 है। चलो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है। तो गाइस इसको जंक्शन इसलिए जंक्शन कहा जाता है यहाँ से एक रूट जो कि जाता है अपना जो कि जालोर से, एक रूट जो कि जाता है अपने पालनपुर और एक रूट जो कि यहाँ से जाता है मेहसाणा की तरफ, इसलिए इसको जंक्शन कहा जाता है। चलो फ्रेंड कुछ समय मार था तो बताता हूँ आपको और भी बताता हूँ इसके बारे में। कुछ के चाय और एक पानी की बोतल ली है। तो यहाँ पर लगभग 15 क्या कहते हैं अपने आधे घंटा होल्ड है इसलिए हम सोचे कुछ ले लेते हैं। चलो फ्रेंड एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ से क्योंकि मैं अभी चाय पीते के बारे में बताता हूँ आपको। वो जो सीट दिखा रहा था जो ये थी देखो जहाँ से देख सकते हैं समरेड़ी लूणी और जोधपुर के लिए यहाँ से गाड़ी मिल जाती है। तो कहा जाए तो इस रोड का ये मेन स्टेशन भी है। चलो फ्रेंड मैं आपको और इसके बारे में बताता हूँ। आज के बिल्डी जंक्शन से हो चुका है अपने निर्धारित समय। चलो फ्रेंड आपको डिपार्चर कब से बताऊँ और दिखाता हूँ। तो गाइस अभी जिसको हमने स्टिक किया था वो था अपने बनारस रिवर्स जो कि अभी सूखा पड़ा है एकदम। तो देखते हैं और भी कोई भी रिवर्स या समुद्र आता है तो कैप्चर करते हैं उसको।
चुकी है इस गाड़ी को 12 बज चुकी पठान पर, जिसका स्टेशन को PTN। तो फ्रेंड ये इसका टाइमिंग है यहाँ पर 4:27 पर, यहाँ पर 2 मिनट का होता है 4:29 यहाँ से रवाना थे। फ्रेंड नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इस पर 2 है जो कि आता है वेस्टर्न रेलवे जो कि आता है अहमदाबाद डिवीजन में। तो चलो चलते हैं, कुछ समय में डिपार्चर आपको कैप्चर करता हूँ, पठान से हो चुका, चलो आपको डिपार्चर कैप्चर करता हूँ और दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने आपको जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन बताई थी, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक खाली बिजली से जो जंक्शन के कारण जो उनको गल कर जाए, वो पालनपुर और अहमदाबाद वाली के लिए ही थी, इस रूट के लिए कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक लाइन नहीं है, उस पर अभी काम चालू है। बाथरूम कंडीशन सामने देख सकते हैं, मैंने लगा है नीचे देख सकते हैं पानी के लिए जो लगा। तो बाथरूम कंडीशन जो कि स्लीपर की एकदम अच्छी है। इसमें एक बात भी आप बता दूं कि साफ सफाई की दानी की इसमें एकदम अच्छा रहेगा। तो मैं आपको अपनी कोच का भी दिखाऊंगा कि साफ सफाई जो कि आप समान एकदम अच्छी है, जो कि रेलवे के द्वारा एकदम अच्छा बता। चलो फ्रेंड आपको बाहर से भी दिखाता हूँ इसका जो कि इनर का कैसा है और आपको उसका भी बताता हूँ। चलिए चलते हैं बाहर, सकते इसका कंडीशन एकदम अच्छा है इनर का। सामने इसमें पानी के लिए आपको दिखाता हूँ, मेरा पीछे पूरा कोच जो एकदम खाली पड़ा है और साफ की सफाई तो आप पीछे देख सकते हैं, मेरे कोच में एकदम सच्चा है दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख लीजिए सीट भी एकदम क्लीन है। चलो बैठते हैं और नेक्स्ट स्टॉप आता है तो आपको दिखाता हूँ। तो भाई हम स्किप कर रहे हैं दिल्लो स्टेशन को, गाड़ी का 13वां सेकंड लास्ट स्टॉप जो कि मैसाणा का स्टेशन कोट है MSH। तो फ्रेंड इसका टाइमिंग है यहाँ पर 6:05 पर, यहाँ पर 2 मिनट का होता है 6:07 पर यहाँ से रवाना है। जो फ्रेंड नंबर ऑफ प्लेट होंगे नंबर प्लेट 106 है जो कि अपने आता है वेस्टर्न रेलवे जो कि आता है अहमदाबाद डिवीजन में। तो फ्रेंड इसको ओपन किया था 8081 को जो तो किया। चलो फ्रेंड मैं आपको मैसाणा के बारे में बता तो हूँ इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है। इसको जंक्शन इसलिए जंक्शन कहा जाता है, यहाँ से एक रूट जो कि जाता है अपने दिल्ली जयपुर की तरफ, एक रूट जो कि जाता है जोधपुर की तरफ, एक रूट जिससे जालोर की और बाड़मेर की तरफ जाता है, इसलिए जंक्शन कहा जाता है। ट्रेन है वो अपने अहमदाबाद आगरा कैंट फेस्टिवल ट्रेन जो कि अपने टाइम से चल रही है जो कि मेरा जंक्शन पर आ चुकी है। तो ट्रेन हमारा समय कुछ समय हमारा गाड़ी का डिपार्चर होता है, आपको डिपार्चर कर रहा हूँ बस हमारा डिपार्चर जो मैसाणा से उसका है लेट। चलो आपको दिखाता हूँ इसमें डिपार्चर किस तरह का है। तो बस हमारा डिपार्चर जो प्लेट हमारा 3 से हो चुका है। गाइस हम स्पीक कर रहे हैं पंचवटी राजधानी एक्सप्रेस को। Thank you.
गाड़ी को ठीक किया था वो थी अपने आश्रम से जो अहमदाबाद दिल्ली के बीच में चलती है। जिस गाड़ी को हमने स्टिक किया था वो थी अपने बांद्रा टर्मिनस दिल्ली सारे रेला गरीब रथ एक्सप्रेस। इस गाड़ी का फाइनली लास्ट स्टॉप जो कि सामरवती पर, तो फ्रेंड ये अपने टाइम से बिफोर टाइम आ गई है जो कि आधे घंटे, तो फ्रेंड इसका टाइमिंग था यहाँ पर 8 बजे का। तो फ्रेंड चलो मैं आपको सब तक सामरवती का रहना, समृद्धि को जिसका स्टेशन कोड है SBI जो कि अपने आता है वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद डिवीजन में। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, यदि आपको ये वीडियो चला तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो सबसे पहले देखेंगे। चलो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं खत्म होते हैं, जय दोस्तों।